मेरे थप्पड़ मार दूँ देखो मान दी ये देखो मैं रोमांटिक होता हूँ ऐसे आना जबरदस्ती बना अरे गिर गिर के मुंह बोल दो यार कुछ नहीं दूसरी मम्मी ले आते हैं ना हाँ हाँ दूसरी ऐसे यार बोर है यार अरे इतना रोमांटिक मौसम हो रहा है यार मैंने कहा थोड़ा सा रोमांस करते हैं देखो ये हंस रही है जैसे उसको जुमले सुना रहा हूँ मैं फ्रेंड्स निकला था घर का कुछ सामान ले लें वाटर प्योरीफायर लेना था और कुछ एक प्लास्टिक की आइटम लेनी थी तो लेने के बाद दिखाऊंगा आपको घर पे अभी भीग चुका हूँ पूरी तरह जैसे ही निकला हूँ झमाझम बारिश काम ख़राब हो गया और टाइम ख़राब हो गया बट सामान लेके ही जाऊँगा एनी हाउ तो गड्डी जांदी है छलांगा मार दी तो मैनू याद आई मेरे यार दी थोड़ी थोड़ी उम्मीद नज़र आ रही है बादलों के बीच से झांकते हुए तो थोड़ी देर में शायद बारिश रुक जाए गाइस निकला था बाइक से गाड़ी होती तो कोई टेंशन नहीं थी अंकल जी उस साइड से ना बादल थोड़े से कम हो रहे हैं देख रहे हो ना नीला नीला आ रहा है दोनों मिलकर फूंक मारते हैं हट जाएंगे बादल तो बारिश हो जाए जल्दी रुक जाए आप भी फंसे हो बारिश में मैं भी फंसा हुआ टाइम भी पास हो जाएगा मारे फूंक जोर से मारने से ठीक हो जाएगा फूंक मारने से ठीक नहीं होगा टाइम तो पास हो रहा है अंकल जी हमारा अरे यार भाई साहब पूरे 35 मिनट हो गए हैं चलो जी इनका तो मौसम बना हुआ है और हमारा ख़राब हो गया तो मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी अंकल जी ने मुंह उधर कर लिया अंकल जी को लगा वाकई छूट कर आया भैया पागल खाने से घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में मिल गई बारिश तो जनाब वहाँ है मेरा घर और जस्ट निकला ही मैं यहाँ तक पहुँचा और बारिश हो गई सो गाइस कैंट का ये वाला मॉडल मैंने फाइनल किया है तो बारिश से लड़ लड़ाता हुआ फाइनली एक आइटम तो ले लिया बाकी की दो आइटम और लेनी है उसको भी फाइनल करते हैं इससे पहले गाइस मेरे पास था प्योरिट का और प्योरिट में जो मॉडल था वो डिसकंटिन्यू हो चुका है तो उसकी जर्म किट जो आती है वो मिलती नहीं है हमारे यहाँ पर जो पानी है ऑलरेडी ट्रीट होकर आता है तो ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने खाली यूवी और यूएफ ही लिया है कहाँ मेंशन है इसका ये रहा खाली यूवी और यूएफ लिया है आरओ नहीं लिया मैंने हो गया भैया बिल हो गया है ठीक है कोई नहीं चलो थैंक यू भैया डिलीवर करा दो हाँ एड्रेस मैंने आपको दे दिया बिल साथ में भेजोगे चलो ठीक है थैंक यू हम पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है तो ले लिया है गाइस जो सामान लेना था अब घर मिलते हैं आपको और दिखाते हैं क्या लिया है सामान तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया चीलों की रानी जैसी आई है चीलों का ढेर और झुंड साथ में आया है हाय हेलो करने आई है तेरे सर पे पोटी करके
हाय हेलो तेरे से करना है। मेरे जब तक देख एक घंटा हो गया मुझे बैठे हुए, एक चील नहीं दिख रही थी मुझे, पूरा सन्नाटा था। जैसे ही तू आई देख चीलों का झुंड। चलो हाथ करो, प्रसादा लो, और इस असली चीलों के बीच नकली चील उड़ान उड़ रही है। वो रही बोले तो एयरप्लेन। देखो जी भवंडर, हवा का नहीं है, चीलों का है। पापा, जब मम्मी आई थी ना भाई, मम्मी मम्मी भी गा रहा था। ये क्या कर रहा है पीछे, क्या कुछ हो गया? नहीं नहीं, वो जो नया नया आपने वो लिया ना, हमने लिया वो बिल्कुल टाइट हो रहा था। टाइट हो गया, फंस गया है। मशीन कपड़ा खा रही है? नहीं, दिखा दो से पीछे से। आपको खाती होगी, मेरा नहीं। सभी का खाती है बेटा, वो नया नया वाली खाती है। पीछे से भी खाती है, और जो धुन्नी होती है ना ये भी खाती है, बनियान खा जाती है सारी। अभी नहीं, जब तू बड़ा होगा तब खाएगी, जब बाल हो जाएंगे तो। ए चीलो की रानी, ए चीलो की रानी, खरगोशों की मलिका। देखा खरगोश जैसे दांत हो रहे हैं, देखो देखा। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ए चीलो की रानी। अच्छा खरगोश, चीलों की रानी कब से हो गया? खरगोश भी हूँ, चील तो देख जैसी तू आई तभी झुंड लग गया चीलों का। 1, 2, 3 सतयुगी रावण। एक तो अपनी लैपटॉप की दुकान लगा रखी है, और पता नहीं अजीब से हरकत कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। आधे इधर चल, आधे उधर चल, पता नहीं मेरे बाबा तो हो गए बावड़े। क्या कर रहा है? कॉपीराइट आ जाएगा भाई, देख नहीं रहा? म्यूजिक सुन रहा भैया, जेफ काले बुरा मान जाएंगे। अच्छा। बंद कर दो भैया। अच्छा म्यूजिक सुना जा रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। किसी शायर की गजल रीमगल, किसी झील का कवल रीमगल। सो ड्रीम गर्ल के चेहरे पे तो मुस्कान है, बट इसके नाइटमेयर हमारे को आते रहेंगे पूरी रात। हमारी जो मुस्कान है इसने लूट ली है, छीन ली है। मैं इस मुस्कान की बात कर रहा हूँ, बट आप मेरी मुस्कान लौटा सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के। एंड गाइस, इंस्टॉलेशन से पहले मैं दिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन से पहले नहीं, इंस्टॉलेशन के बाद आ तो जाए, पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे। मजबूरी थी मुझे गाइस इसको लेना, ऑलरेडी मेरे पास है फिल्टर, बट वो फिल्टर डिसकंटिन्यू हो गया है, लगा हुआ है, आपने किसी पिछले ब्लॉग में देखा होगा मेरे, तो इस वजह से मुझे लेना पड़ा। और मेरी प्लानिंग थी टीवी यूनिट लेने की, इसको मैंने डिजाइन भी किया था लगभग 3-4 दिन पहले, कुछ मैंने डिजाइनिंग करी थी कि मुझे इस तरीके से चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट मेरी इन्वेस्टमेंट लग गई इसमें। इसके अलावा गाइस मैंने एग्जॉस्ट लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको एग्जॉस्ट कहाँ कैसे यूज होगा, मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके अलावा ड्रॉअर एक ये लिया है, और एक ये वाला मॉडल है। तो इनको लेने का रीजन है गाइस, मेरा जो ऊपर वाला रूम है वो हो जाता हीट, जैसे कि आपने देखा, स्टूडियो रूम नहीं स्टूडियो, और इस वजह से मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी। बट इसको लगाने से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटेंट बनाने के लायक हो जाऊँ, बट ये हो जाएगा थोड़ा सा हीट जो है कम हो जाएगी, तो मैं बैठ के कुछ सोच सकता हूँ, कुछ आइडियाज बना सकता हूँ, और जब ठंडा हो जाएगा मौसम तो मैं फटाफट एक एक करके धड़ाधड़ कंटेंट रेडी करके आपको परोस दूंगा। इसके अलावा इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर, मैं नाप के गया था, यहाँ का नाप लेके गया था, बट मुझे पता है थोड़ा सा ये वाइड है, तो इसको घुमा के लगा देंगे, बस काम चल जाएगा। इसको लेके लगाने का रीजन वो ये है, पहला कि जो बाहर अननेसेसरी आइटम्स घूमती रहती है, रिमोट चार्जर सब चली जाएंगी इसमें, एक लगा दूंगा ऊपर स्टूडियो में, और वही सेम जो फालतू के गैजेट हैं चले जाएंगे इसमें। गाइस मैं इसको दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली आज इंस्टॉल होना था, नहीं हो पाया, और मेरा अनफॉर्चुनेट मेरा साथ नहीं छोड़ता है। बारिश में देखा होगा आपने, जब मैं भीग रहा था व्लॉग में इसी आपने, तो इतना अच्छा मौसम, लेकिन हमारे साथ अंकल जी थे गुटखा चबाते हुए, देख लो जी संगति भी ऐसे मिलती है हमारे को। तो एनीवेज अब कर लेते हैं व्लॉग को एंड, और अंकल जी को मैंने बोला भी था, मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया था, कि अंकल जी हम पागल नहीं है भैया, बस हमारा दिमाग खराब है, तो थोड़ा सा मैंने अंकल को संतुष्ट किया, अंकल जी डरना मत, कहीं छोड़ छाड़ के सब भाग जाओ, क्योंकि अंकल जी की चेहरा ही कुछ इस तरीके का, तो उनके हाव भाव कुछ ऐसे थे जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाया, और मेमोरी खत्म हो रही थी। करते हैं गाइस व्लॉग को यहीं एंड, और मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा, और इसको मैं करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में अनबॉक्स,
कुछ पूछना है तो इस कमेंट में पूछ लीजिएगा, लगाने के बाद सेट करने के बाद दिखाऊंगा कहाँ कैसा लग रहा है। और बस क्या, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। रीजन इसमें नहीं कर रहा हूँ इन सबको अनबॉक्स, बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। ठीक है जी, सो गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अगेन छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, नमस्कार। भारतीय बड़ों के नाथ, हमारे सभी वीर जवानों को जय हिंद। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। डिंग 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 टणक डिंग 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 टणक डिंग डिंग। बस क्या, पूरा गाना सुन के जाओगे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।